जी, तो एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं कि सुबह सुबह का टाइम है और माशाल्लाह कितना अच्छा कोई प्यारा सा वेदर हो रहा है इस वक्त। आप लोग देख सकते हैं आसमान में भी जो है वो बिल्कुल एक लाइट ब्लू सा जो है वो अभी स्काई हुआ हुआ है। क्या टाइम हो रहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी, इस वक्त देखिए टाइम हो रहा है 6:20। मैंने जो है वो फजर की नमाज पढ़ ली है और मैं हो चुका हूँ रेडी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और हम भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह हम जो है वो रेडी होके कहाँ जा रहे हैं कि आज जो है वो अबू का जो है वो 40 डेज पूरे हो रहे हैं, मतलब आज अबू का 40वां है चहलू में। तो जो है वो अभी इस टाइम सुबह सुबह निकल रहे हैं कब्रिस्तान के लिए। हाईवे पे है वादी ज़ैनब, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। बच्चे भी रेडी हो रहे हैं, तो जैसे रेडी हो जाते तो उनसे भी आपको मिलवाता हूँ। नीन भी रेडी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हमेशा की तरह मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे और हम सबके रस्म बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को जरूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो चले आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेडी हो चुकी हूँ, देखिए मैं हमेशा की तरह एक ही कोट पहनती हूँ। तो चले जी, अब बस जल्दी से घर से निकलते हैं और यहाँ पे देखे हमारी कायनात भी जो है वो रेडी हो रही हैं और बच्चे रेडी हो चुके हैं। तो कायनात सकलेन भी रेडी हो चुका है बेटा भैया। जी, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग घर से निकल चुके थे और बस अब हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने ही वाले हैं और बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा होगा कराची हैदराबाद टूल प्लाज़ा। तो हम लोग जो है वो टूल प्लाज़ा M9 पे पहुंच चुके हैं और ये देखे एक फ़्लावर की शॉप आ चुकी है। तो मैं यहाँ पर उतर चुका था और समरीन मेरी वीडियो बना रही थी, तो यहाँ से हमने लिए फूल और उसके अलावा हमने लिया यहाँ से अर्क गुलाब की बॉटल और बस यहाँ से लेते हैं और चलते हैं हम सामने ही, आप जो है वो इसके फ़्लावर शॉप्स के बिल्कुल सामने ही कब्रिस्तान है और बिल्कुल हम बस कब्रिस्तान वाले रोड पे पहुँच चुके हैं। जी, तो देख सकते हैं आप लोग कि हम लोग पहुँच चुके हैं कब्रिस्तान में और फूल वगैरह भी हमने ले लिए थे और देखिए ये है पूरा ग्रेवयार्ड वादी ज़ैनब और सामने आपको हज़रत अब्बास का आलम नज़र आ रहा होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। तो सकलेन भी पानी वगैरह ले आए, चलते कब्र की तरफ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो है मैं और सकलेन पानी की बोतल से जो है वो पानी डाल रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे किस चीज़ का पानी है, तो ये जो है दो बोतल से एक जो है वो 40 दिन के जो आमाल होते हैं ये उसका पानी है दुआओं का और एक जो 40वें के दिन आमाल होते हैं उसका पानी है। तो जी, यहाँ पे हमने जो सूरह हमें पढ़नी थी और फातिहा खानी करनी थी वो सब हमने कर ली और अब यहाँ पे जो है सकलेन जो है वो कब्र पे फूल डाल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो मैं 7 times इना अंजलना पढ़ रहा था और आप देख सकते हैं कि ये पूरा ग्रेवयार्ड है वादी ज़ैनब। सुबह सुबह का टाइम था, मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन सुबह सुबह भी यहाँ पे फैमिलीज़ आई हुई थी। हमने यहाँ पे अब्बू का मोस्ट फेवरेट, अब्बू को गांठिया बहुत ज़्यादा पसंद था तो गांठिया हमने एक बाउल में डाल के रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा था अक्सर कौवे वगैरह आते हैं और वो खा लेते हैं यहाँ से कब्र के ऊपर से। तो मैंने गांठिया रखा है और बाजरा वगैरह डाला है और पानी रखा था और ये देखे सामने मेरी अम्मी और अब्बू की कब्र है और अब हम आ चुके हैं मेरे कज़न की कब्र पे और यहाँ पे हम पानी वगैरह डाल रहे हैं और फूल डाल रहे हैं और फातिहा वगैरह पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से हम तमाम मरहूमिन की कब्र पे गए बारी बारी और सब जगह पे हमने पानी वगैरह डाला, फूल डाला और फातिहा खानी वगैरह की। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मरहूमिन की मगफ़िरत फरमाए
और तमाम मरहूमीन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और तमाम मरहूमीन के गुनाह सगीरा व कबीरा को माफ़ कर दे। ला आमीन। तो आप देख सकते सामने आपको एक फैमिली नज़र आ रही होगी और एक भाई जो है वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, पता नहीं उनके किस मरहूमीन की कब्र थी लेकिन वो बेचारे बहुत ज़्यादा रो रहे थे। और ये देखिए हम हज़रत अब्बास के अलम पे आ चुके हैं और यहाँ पे हज़रत अब्बास को अपना सलाम पेश किया और उसके बाद जो है हमें यहाँ से जो है वो नियाज भी मिली थी। तो जी कब्रिस्तान से आने के बाद जी हमने किया है नाश्ता और फिर किया थोड़ा सा रेस्ट और फिर मैंने मेड से कराया काम और घर के काम करने के बाद बच्चों का था ट्यूशन से फ्री हुए। फिर हमने किया टी टाइम, फिर टी टाइम के बाद फिर आ गई है डन सबसे फाइनली वो चीज़ की जिसकी बड़ी टेंशन हो जाती है लेडीज़ को कि खाने में क्या बनाना है आज। तो ये मैं सोच रही थी, फिर मैंने सोचा चले है ना असगर की तबीयत सही नहीं है तो मैं चढ़ा देती हूँ यखनी सूप। मैंने चढ़ा दिया है एक चूल्हे पे, मैंने यखनी सूप रख दिया है असगर के लिए और फिर मैंने सोचा बच्चों के लिए क्या बनाऊँ। फिर मैं सोची चलो बच्चों की आइटम बना देती हूँ फेवरेट, उनको चाहिए स्पैगेटीज तो स्पैगेटीज के लिए मैंने सारी वेजिटेबल्स करनी है फ्राई और मैंने रख दी है फ्राई करने। तो फिर मैं रेडी करके आपसे मिलती हूँ। ये मैंने यखनी सूप रेडी कर दिया है और असगर को दिया है मैंने, आप गरम गरम पी लें ताकि आपका गला भी सही हो जाए और नज़ला ज़ुकाम भी सही हो जाए। आप सब असगर के लिए दुआ कीजिएगा क्योंकि असगर कल थोड़े से गला ख़राब था पर आज कब्रिस्तान के आने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही फीवर और इस तरह से हो गया। तो जी असगर से कब्रिस्तान से आया ना तो उसके बाद जो है मेरी पूरी बॉडी में पेन शुरू हो गया, खासतौर पे बैक पे और दूसरा है कि नज़ला ज़ुकाम तो मुझे कल से ही था और आज जो है वो मेरी हालत ख़राब हो गई। तो असगर आप टेंशन नहीं ले, देखिए ये तो वायरल फीवर है, आप सूप पीजिए इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो आप सब अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा कि आपका भाई जल्दी से ठीक हो जाए और फिर अच्छे अच्छे व्लॉग बना सके। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और अच्छे व्लॉग के साथ। फिर से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सब दुआ में हमें याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।